जाने के अडानी टोटल गैस शेयर को लेकर काफी बड़ी न्यूज आ रही है। अंकित सोनी जी ने राजस्थान सवाल भेजा, अदानी टोटल के बारे में जानना चाहते हैं। उनके पास 466 शेयर है 3750 रुपए के भाव पे। अभी तो उनका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा होगा, शेयर काफी नीचे आ चुका है। क्या राय होगी अदानी टोटल पर मिथिलेश? जी देखो, अदानी टोटल गैस के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि इस ग्रुप से आप जितना जल्दी निकल जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक 900 रुपये या फिर 880 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना, क्योंकि एक चीज इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि न्यूज आती रहेंगी और स्टॉक गिरता रहेगा या फिर उछाल देता रहेगा, तो इसमें टेक्निकल्स की ज्यादा कुछ आपको समझ होना जरूरी नहीं है। तो आप उछाल में एग्जिट की राय देता हूं मैं। 880 रुपये अगर आप लास्ट होप की तरह रखना चाहते हो तो एक 880 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हो। को नुकसान काफी ज्यादा हो रहा था, इसलिए इस शेयर पे जो है फंडामेंटल लाइव ले लेते हैं। अविनाश, अविनाश क्या राय होगी अदानी टोटल गैस पे आपकी? देखिए, मुझे लग रहा है कि बिजनेस तो इनका काफी अच्छा है, इनको काफी नए ज्योग्राफिकल एरियाज भी मिले, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये ज्योग्राफिकल एरियाज को इम्प्लीमेंट और कमीशन करने के लिए जो कैपेक्स कंपनी ने प्लान किया था उसमें थोड़ा सा एक डिले आ सकता है, क्योंकि ज्यादातर कंपनी कर्जे के ऊपर अपना फाइनेंस, अपना ग्रोथ फाइनेंस कर रही थी। और जिस तरीके की अभी न्यूज फ्लो मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए, अगर फंडिंग के लिए पैसा मिलता नहीं है तो ये ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होगा। और मुझे लग रहा है कि देखिए, क्लियरली डेट के हिसाब से अगर हम दूसरे गैस कंपनीज देखें, जैसे इंद्रप्रस्थ गैस है, गुजरात गैस, एमजीएल, तो इसकी ऑलरेडी काफी बड़ी कर्जे की पोजीशन है। तो मेरे ख्याल से इन द नियर टर्म कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पे आने की उम्मीद नहीं है। वैसे भी स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है, और जब ऐसा कोई बड़ा प्राइस डैमेज होता है मनीष, तभी उसको रिकवर करने में भी लंबा समय लगता है। तो मेरे ख्याल से इस निवेशक को निकल के कोई दूसरे सेक्टर में निकल जाना चाहिए, जैसे कि कैपिटल गुड्स है, ऑटो है, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अडानी टोटल गैस से काफी बेहतर है। तो यहाँ से तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी अपसाइड की उम्मीद बिल्कुल ना रखे। तो पर अविनाश की तरफ से भी ये राय कि बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख सकता यहाँ से, और मिथिलेश भी कमोबेश इसमें से निकलने की सलाह दे रहे हैं।